तो इनको क्या हुआ है प्यार में? इनका माले धोखा दे दिया। फिर से बताओ। इनका माले धोखा दे दिया। हाँ, आकर यहाँ पे चाय का स्टॉल लगा लिया। हाँ हाँ जी। अच्छा, इनको प्यार में धोखा मिल गया है? इनका माले कहा कि नहीं प्यार करेंगे आपसे, इसीलिए छोड़ दिए। इनका माले क्या बोली? कि आपसे प्यार नहीं करेंगे। प्यार नहीं करेंगे? हाँ। तो जब प्यार करते तब ना प्रेमी जोड़ा लिखते हैं। और जब धोखा मिल गया तो यहाँ करके एक चाय का स्टॉल स्टार्ट कर लिया है ना जी। है कुछ कारण आपको धोखा रियल में मिला है? सच में धोखा मिला है प्यार में? मिला है जी, हम बताते हैं। अच्छा, इधर देख कर बताते हैं। माल भी गए तो कहा इनको से पैसा मांगा तो करें कह ये नहीं। तो नहीं तो माल किस बात का पटा है? अच्छा, है माँ बाप से प्यार करते तो बात भी बढ़िया होता। अच्छा जी, तो माल इनको धोखा दे दी तो उसी के थी में फटू चाय वाला स्टार्ट कर। दम सीरियसली बात कर रही माल दो। हाँ जी, माले इनका धोखा दे दिया। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, गौतम का ब्लॉग चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अभी मौजूद हैं पटना जिला के विक्रम थाना अंतर्गत असपुरा नहर लक के पास। आपको मेरे पीछे एक स्टॉल दिख रहा होगा जिस स्टॉल का नाम है बेवफा टू चाय वाला। तो अगर चाय की बात की जाए तो पूरे भारत में सबसे पहले उठते ही हम लोगों को क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी लोगों को चाय ही चाहिए, क्योंकि चाय से ही सारे लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो जब से ग्रेजुएट चाय वाली पटना में एंट्री की है और यूपी में काफ़ी लोग चाय का स्टॉल खोलने में इंटरेस्ट ले रहे हैं और अलग अलग नामों से अपने स्टॉल को खोल रहे हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं बेवफा टू चाय वाला, आई दिल असपुरा। इसके नीचे भी आप लोग देख सकते हैं बेवफा टू चाय वाला, प्रेमी जोड़ों के लिए 15 रुपए की चाय और प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए 10 रुपए की चाय। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है बेवफा टू चाय वाले के नाम से। बाकी नीचे स्क्रीन पे आपको इनका नंबर भी दुकान का दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जो यही इस दुकान को चलाता है। आप ही इस दुकान को चलाते हैं छोटू? जी सर, मैं ही चलाता हूं। कितना दिन हुआ है इस दुकान को खोले हुए? दुकान के खोले 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया। आप कितने दिनों से हैं इस दुकान पे? हम सर 10 महीना से। 10 महीना से जी। तो सुबह कितने बजे आप इस दुकान पे आ जाते हैं? सुबह 4 बजे से। 4 बजे सुबह में आ जाते हैं जी। हम रात्रि के कितने बजे तक दुकान चालू रहता है? 10 बजे तक। रात्रि के 10 बजे तक दुकान चालू रहता है जी। तो आपके पास स्लोगन लिखा हुआ है, काफ़ी ही प्यारा सा स्लोगन लिखा हुआ है बेवफा टू चाय वाला, इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके कहानी है कि धोखा मिल गया है मुझे प्यार में। जिसको धोखा मिल गया उसी के लिए दुकान खोला गया है ना? जी। आपको भी प्यार में धोखा मिला है? आपको भी प्यार में धोखा मिला है? अभी तो मैं शुरुआत ही करूँगा। अभी प्यार हुआ है किसी से आपको? प्यार हुआ है जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? आकाश कुमार नाम हुआ। एज की बात की जाए, उम्र की, तो कितना उम्र हो रहा है अभी आपका? 10 साल। 10 साल। 10 साल में ही आपको प्यार स्टार्ट हो गया है ना? अच्छा, गर्लफ्रेंड भी है आपकी? हाँ जी। अच्छा जी, तो प्यार में जो लोग धोखा खा चुके हैं उनसे और एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसा लेंगे आप? नहीं, 10 रुपये कप लगेगा। जो प्यार में धोखा खाए हुए हैं और सिंगल यहाँ पे चाय पीने आते हैं उनसे आप कितना चार्ज कीजिएगा? 10 रुपये सर। 10 रुपये। और जो लोग प्रेमी जोड़े को लेकर आएंगे, अपने गर्लफ्रेंड को या लवर को या परिवार को, उससे कितना पैसा लीजिएगा? 15 रुपये। 15 रुपये। जो लोग धोखा खा लेंगे उनसे ज़्यादा पैसा लीजिएगा, है ना? ऐसा क्या है कि धोखा उसको मिल गया है, दिल टूटा हुआ, पैसा देना पड़ेगा। हाँ जी। तो इस चाय को कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या डालते हैं इसमें चाय में? इसमें डालते हैं इलायची जी। इलायची डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, ठीक है। इसमें चुक्का डाल देते हैं जिसमें चाय पीते हैं लोग। तो बात की जाए तो कितना कप प्रतिदिन आप चाय सेल कर लेते होंगे इस दुकान से? 500 कप। 500 कप प्रतिदिन सेल कर लेते हैं जी। और आपके चाय की रेट की बात की जाए तो 10 रुपए प्रति कप है। हाँ जी, है ना। आपको एक प्रेमी जोड़ा आ जाए तो उसके लिए तो 15 रुपए में 2 कप मिलेगा जी, है ना? हाँ। तो आप लोग कैसे पहचान लेते हैं कि प्रेमी जोड़ा आ गए दुकान पे? माल लेकर आइएगा तब ना लड़का। माल लेकर आएगा कोई तो उसको 15 रुपए के 2 चाय मिल जाएगा ना जी। सिंगल आएंगे उनके लिए 10 रुपए की चाय है ना? हाँ।
आप अकेले इस दुकान को चलाते हैं कि और कोई है इस पे? ना, अकेले चलाते हैं। क्या जी? भैया भी चलाते अच्छा, हैं। भैया भी चलाते हैं। कौन है भैया? उनको ए इधर आओ बजाओ वाले। आइए डर क्यों रहे, आइए खोला। मालिक यही है छोटे ना जी। तो इनको क्या हुआ है प्यार में? इनका माले धोखा दे दिया। फिर से बताओ। इनका माले धोखा दे दिया। हाँ, कर यहाँ पे चाय का स्टॉल लगा लिया है। हाँ जी। अच्छा, तो इनको प्यार में धोखा मिल गया है? इनका माले कहा कि नहीं प्यार करेंगे आपसे, इसीलिए छोड़ दिए। इनका माल क्या बोली? कि आपसे प्यार नहीं करेंगे। प्यार नहीं करेंगे? हाँ। तो प्यार करते तो हम ना प्रेमी जोड़ा लिखते हैं। जो मौका मिल गया तो यहाँ करके एक चाय का स्टॉल स्टार्ट कर लिया है ना जी। तो कितने तरीकों का चाय मिलता है आपके पास? एक तरीका का, मात्र एक ही तरीके का चाय मिलता है जी। सिंगल लोग जो आएंगे उनके लिए 10 रुपए की रेट है, और प्रेमी जोड़ों के लिए 15 रुपए के रेट। इसके पीछे क्या वजह है, कुछ कारण? आपको धोखा रियल में मिला है, सच में धोखा मिला है प्यार में? मिला है जी, हम बताते हैं। अच्छा, इधर देख कर बताते हैं। माल भी गया तो कहा इनको से पैसा मांगा तो कह रहे कि है ये नहीं। क्या बोले कि पैसा नहीं है? नहीं, तो माल किस बात का पटा है? अच्छा, है हाँ। माँ बाप से प्यार करते थे तो बात भी बढ़िया होता। अच्छा, क्या जी? तो माल इनको धोखा दे दी तो उसी के थी में बेवफाटू चाय वाला स्टार्ट कर दिया। एकदम सीरियसली बात कर रही, माल दो। हाँ जी, माले इनका धोखा दे दिए। तो आप लोग देख सकते हैं छोटे बता रहा है, जो काफ़ी ही प्यारे तरीकों से चाय बना करके पिलाता है। और जस्ट असपुरा, विक्रम के असपुरा आप लोग देख सकते हैं, यही नहर रहा और जस्ट नहर के पास में ही इनका दुकान चाय का स्टॉल देखने को मिल जाएगा। तो और भी काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं चाय पीने के लिए, आइए उनसे जानकारी लेते हैं इनके चाय के बारे में, कैसा टेस्ट वगैरह रहता है। आप लोग चाय पिए हैं अभी यहाँ पे? कैसा है इनका चाय का टेस्ट? चाय बहुत बढ़िया है। अच्छा, अभी पिए हैं भैया? कैसा है चाय का टेस्ट? चाय अच्छा बनाते हैं। अच्छा, आप लोग भी चाय पिए हैं यहाँ पे? कैसा है टेस्ट वगैरह? बहुत अच्छा। अच्छा चाय, बहुत अच्छा चाय। आप लोग भी चाय पीना है? हाँ, हम लोग भी चाय पीना है। कैसा है? और इससे पहले टेस्ट किया है यहाँ का? हम रेगुलर पीते हैं, हम लोग का अप डाउन करते हैं तो यहीं पे पीते हैं चाय। अप डाउन करते हैं तो यहीं पे चाय पीते हैं। कैसा है चाय का टेस्ट इनका? ठीक है, चाय का टेस्ट अच्छा है। अभी चाय पीने के लिए? हाँ, चाय पीने के लिए है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीकों से चाय को बनाते हैं। कितना टाइम लगता है छोटे चाय को तैयार करने में? चाय को तैयार करने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं सर। 5 मिनट में तैयार कर देते हैं जी। मगर कहीं ना कहीं काफ़ी खुशी मिलती है ऐसे छोटे बच्चे को अपनी रोजगार करते हुए देखकर। आप लोग भी देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। आप पढ़ाई भी करते हैं दुकान के साथ साथ? पढ़ाई नहीं करते, इसी दुकान पर सुबह से शाम तक रहते हैं, है ना? तो खुश हैं इस रोजगार से आप जी? तो आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएं हम बेवफाटू चाय वाले के बारे में। तो जब से पटना में ग्रेजुएट चाय वाली की एंट्री हुई है, तब से पटना समेत बिहार और यूपी के लोगों में चाय के स्टॉल खोलने में काफ़ी दिलचस्प आ गया है, और लोग अलग अलग नामों से अपने स्टॉल को खोल रहे हैं। कोई बेवफा चाय वाले के नाम से, कोई बेवफा चाय टू वाले के नाम से, कोई ग्रेजुएट चाय वाली, तो कोई नर्सिंग चाय वाली, कोई एक्टर चाय वाला, तरह तरह नामों से लोग खोल रहे हैं और काफ़ी सारा अपना लोग स्टॉल को चला भी रहे हैं अच्छे तरीक़ों से। तो इसी तरीके के नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।